सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओकिनावा डुअल इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च। इसके लिए नहीं किसी लाइसेंस की जरूरत, फुल चार्ज में चलेगा 130 किलोमीटर। इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग में काफ़ी मांग दर्ज की जा रही है। विभिन्न ऑटो निर्माता कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स लेकर आ रही हैं। देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी ओकिनावा ने इंडियन मार्केट में नया ओकिनावा डुअल इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। ओकिनावा डुअल मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फीचर्स से लैस है और इसे ख़ास तौर पर सामान ढुलाई के लिए बनाया गया है, जिससे कारोबारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। यह स्कूटर वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली कंपनियों की विभिन्न ज़रूरतों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस स्कूटर की स्टार्टिंग प्राइस 58,999 रुपीज़ रखी गई है। ओकिनावा डुअल इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस टू व्हीलर पर अब तक का सबसे ज़्यादा वजन ढोने की क्षमता रखने वाली ओकिनावा आखिरी मुकाम तक सामान पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर डुअल लेकर आई है। वाहन के आगे और पीछे दोनों हिस्सों में दोगुना वजन ढोने की क्षमता रखने वाला ओकिनावा डुअल अपनी तरह का पहला ऐसा दोपहिया है जो सामान ढुलाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बना है। गैस सिलेंडर, हार्डवेयर, इंस्ट्रूमेंट्स, पानी के जार जैसी भारी भरकम वस्तुओं से लेकर अनाज, दवाइयां, कोल्ड स्टोर तक की वस्तुओं की ढुलाई के लिए ओकिनावा में डिलीवरी बॉक्स, खिसकाने वाले क्रेट्स, दवाइयों के लिए कोल्ड स्टोरेज बॉक्स, सिलेंडर कैरियर, लैब ऑन व्हील्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इन वस्तुओं को आसानी से और सुरक्षित तरीके से मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात कि इसके चलाने के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय सड़कों पर आजमाया और परीक्षण किया हुआ इस टू व्हीलर में 250 वॉट का इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है, जिससे यह 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी कम स्पीड होने की वजह से इसे चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने या ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। 75 किलो के वजन के साथ ओकिनावा डुअल के अगले पहिए में डिस्क ब्रेक और पिछले पहिए में ड्रम ब्रेक लगा है। चार्जिंग में आसानी के लिए कंपनी ने 48 वाट 55 AH की डिटेचेबल बैटरी भी दी है, जिससे 1.5 घंटे में 80% तक चार्ज किया जा सकता है और पूरी तरह चार्ज करने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं और एक बार चार्ज करने पर यह 130 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। लिथियम आयन बैटरी पैक होने से यह तेज़ी से चार्ज होती है और B2B यूज़ के लिए भरोसेमंद टू व्हीलर है। चालक की अधिकतम सुविधा सुनिश्चित करने के लिए ओकिनावा डुअल में रिमोट से स्टार्ट, साइड फूट रेस्ट, हार्ड मेट डिज़ाइन आदि जैसी विशेषताएं दी गई हैं। फोन होल्डर, चार्जिंग पोर्ट, वाटर बोतल, कैरियर जैसी कुछ अन्य सुविधाएं भी ओकिनावा डुअल में दी गई हैं। ओकिनावा ऑटोटेक बैटरी पर 3 साल की वारंटी और पावर ट्रेन पर 3 साल या 30,000 किलोमीटर जो पहले हो जाए उसकी गारंटी देती है। ओकिनावा डुअल को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसके डीलरशिप पूरे भारत में फैले हुए हैं, तो किसी भी स्टोर से आप खरीद सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव, सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।